मेरा नाम नाबम नन्ना है। तो आज मैं आप लोग को ये रैकोल स्कोप जो रिपेयर वेल कैसे होता है वो आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि वहाँ में कुछ आर्म्स का कुछ शॉप में आप जाएगा तो रैकोल स्कोप ख़राब हो गया बोल डैमेज हो गया बोलने से वहाँ में जाने से वो लोग बताते हैं नॉन रिपेयरेबल है बोलते हैं। तो नॉन रिपेयरेबल होने से आप लोग इतना दामी वाला रैकोल स्कोप खरीद के रखता है तो कैसे इसको फेंक दो बोलते हैं, कुछ उपाय नहीं होता है। फिर आप लोग मजबूरन मतलब इंटरेस्टिंग वाला जो नया ही खरीदता है। तो आज मैं आपको मतलब एक इजी वे बताता हूँ, आप लोग दुकान में फिर नया खरीदना ना पड़े, जो खरीद चुका आप लोग उसको फिर दोबारा रिपेयर वेल करके पका सकते हैं। तो इसका मतलब खोलने के लिए तो कुछ सामान तो कंपनी ने बनाया नहीं है इसको खोलने वोलने के लिए, इसलिए वो लोग शायद मतलब नहीं बना सकते हैं। तो आज हम खोलने के लिए कुछ इक्विपमेंट बनाया, ये लोहा का एक प्लेट है। तो ये खोलिए आगे वाला, ये इसको खोलने के लिए आगे का जो कप होता है लेंस को खोलने के लिए, और ये बनाया ये अंडर में और एक लेयर होता है उसको खोलने के लिए, और ये और एक चौथा लेयर होता है उसको खोलने के लिए ये बनाया, और ये सबसे लास्ट चौथा वाला है ये जो क्रॉस खोलने के लिए, क्रॉस जो अंडर में क्रॉस है। और ये एक हमको एक अंकल ने दिया इसको, जो इसका मतलब ये पानी घुस चुका था वाला है, तो बहुत दिन से वो पानी घुस के पड़ा हुआ था। तो हम उसको मतलब बताया कि हम कुछ कर सकते हैं बोल के, तो इसका मतलब वो पानी घुसने का कारण सफ़ा करने के लिए किया, लेकिन सफ़ा तो नहीं हुआ अभी, मतलब उसका क्रॉस टूटा दिया। तो आप लोग को मैं इजी वे में क्रॉस कैसे लगाता है वो आपको दे में दिखाने जाता हूँ। ये है एक ये जो कुछ तेला का है कुछ बोस्ता बोलते हैं आप लोग उसका कुछ नूम है, उसको हम क्रॉस बनाएगा इसको आप लोग को दिखाएगा। ये खोल दिया इसका अंडर में जो क्रॉस है वो बिल्कुल पूरा बेन हो चुका है, देख आप लोग को देख लीजिए। तो इसको हम अपना मॉडिफाई से करके उसको फिर दोबारा डब करके दिखाएगा आपको। क्रॉस खोल के दिखाता हूँ, जो पहले इसका जो मालिक जो मतलब वो उसको सफा करने के लिए जो ट्राई किया था वो पूरा मतलब ये चीज़ को क्विक फिक्स पे भी कोई चिपका करके बर्बाद कर चुका था। तो खोलने नहीं सका है तो हम इसको कुछ एडजस्ट करके तोड़ के निकला है। तो इसमें जो क्रॉस होता है, एक क्रॉस होता है जो इसका अंडर में जो लेंस में जो क्रॉस दिखाई देता है वो होता है, तो ये दोबारा तो यहाँ में नहीं बन पाएगा। तो इसलिए हम उसको क्या किया कि मतलब ये इसको हटा के तो मॉडिफाई करके ये कुछ पाइप है पीवीसी पाइप, तो पीवीसी पाइप को हम इतना सा एक चौथा टुकड़ा कट के निकला है, तो इसको हम क्रॉस बना सकते हैं। तो ये है ये तेला का एक वो है जो चावल वावल बनता है उसका कुछ वो है रस्सी है, उसको निकल के आप लोग ध्यान से देख लीजिए ताकि नेक्स्ट बार आप लोग भी अपना आप खुद कर सके। तो लेस थोड़ा सा पानी घुसने से मतलब आप लोग फेंक देता है तो रिपेयरेबल नहीं होता है बोल के, तो आप लोग भी देखते देखते घर में देखते देखते सीख सकता है। ये ग्लू है क्विक फिक्स,
जो आप लोग ये नहीं मिल रहे चौथा वाला 10 रुपये वाला ग्लू मिलता है, वो भी कर सकता है। ये हमने इसको कर बना दिया। और एक इसमें क्रॉस होता है, प्लस होता है, और एक इधर से दे देगा। ये हो गया प्लस, आप लोग देख सकते हैं प्लस बन रहा है इसमें। तो आप लोग ये नहीं मिलता है बोलने से, ये रस्सी जो आप लोग को ढूंढने नहीं मिल रहा है बोलने से, आप लोग ये किसी का मतलब लेडीज़ का कुछ लंबा बाल होता है उससे भी कर सकता है इसका बदले में। थोड़ा इसको अच्छा से सूखने दीजिए। ये बन रहा है क्रॉस, देखो इसको का। आप लोग देख लीजिए क्रॉस बन चुका है। सेट हो चुका है क्रॉस, तो मैं इसको ये डाल देता हूँ ग्लू, ताकि मतलब ये जो जब ये यूज होगा तब लूज नहीं होने के लिए। देखिए अभी ये पीवीसी पाइप को हम लगा दिया, जो ये पीवीसी पाइप है इसको हम क्रॉस का वो जो फ्रेम बना दिया, जो ये बिल्कुल टूट चुका है, जो पहले जो मालिक जो यूज करने वाला इसको क्विक पिक्स चिपका के बर्बाद कर चुका था, तो हम इसको तोड़ के निकल के ये हम मॉडिफाई करके पीवीसी पाइप से डाल दिया। तो आप लोग देख सकते हैं ये राइफल स्कोप अभी रेडी होने जा रहा है। तो इसमें ये इसको मिलाना बहुत ज़रूरी होता है, ये इसका अंडर में होता है इसको, जो ये जो क्रॉस को मतलब जो लेफ्ट राइट को ये पकड़ने के लिए तेलने वाला, थोड़ा इसको टेम्पर दे देंगे। ये सैनिटाइजर है जो ग्लास में जो पोगी पोगी लग के बैठा होता है, जो इसका अंदर पोगी पोगी लग के बैठता है जो पानी घुसने के कारण, तो सैनिटाइजर से आप घुस लीजिए तो पूरा नया जैसा हो जाएगा, पूरा क्लीन हो जाएगा। उसके साथ फिर सूखा वाला टिश्यू पर लेके घुस दीजिए। उसके बाद इसमें डालने से पहले ये रबर वाला ग्लू है जो वाटर प्रूफ होता है, पानी नहीं घुसने के लिए, इसको
आपको यह मैं डाल देते हैं, ये वाटर प्रूफ है। मैंने ये वाटर प्रूफ डाल दिया, जो पहले इसमें जो आता पानी उसका था, अभी पानी में दुबा दुबा के मार सकता है तो पानी कभी घुसेगा ही नहीं इसमें। हम वाटर प्रूफ पेस्ट डाल दिया, जो रेंज को मिलाने के लिए पहले आपको ये 9 में मिला के, 9 में रख के उसके बाद दूरी को देख के पहले 9 में क्लियरिटी को इधर घुमा के मिलाना है। ये तो रात रख के देर हो रहा है, हाथ नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए मैंने ये अपना अपनाया मिक्सर में, जिसे मैं एडजस्ट करता हूँ इसको लेकर। अभी पूरा क्लियर हो चुका है, मेरा वीडियो को अच्छा लगा है तो शेयर, इतना शेयर करो, और ताकि ये किसी का किसका पास ये लेंस खराब वाला है ताकि उस तक पहुंच सके। तो अच्छा लगा है तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। थैंक यू।